माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल से वापस ला रही है। उसे प्रयागराज की नैना जेल में रखा जाएगा। अतीक के लिए बैरक भी खाली करा लिया गया है। अतीक के काफिले के पीछे लगातार उसकी बहन और वकील चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से ही परिवार अतीक के एनकाउंटर का खतरा जताते आए हैं। हालांकि इस दौरान अतीक को भी ये कहते सुना गया कि उसका एनकाउंटर कराना चाहते हैं, लेकिन उसे ये भी कहते सुना गया कि उसे कोई डर नहीं है। बता दें कि अतीक लंबे वक्त से साबरमती जेल में बंद था। उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक सुर्खियों में बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अतीक का नाम लेते हुए कहा था कि उनकी सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कितना ताकतवर है अतीक अहमद। जानेंगे प्रॉपर्टी से हथियार का ब्यौरा तक। अतीक अहमद अब तक कुल 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना है। साल 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचा था। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने 2019 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन महज 885 वोट ही मिले। इस दौरान उसने प्रॉपर्टी से लेकर आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा भी साझा किया था, जिसमें उसने बताया कि उसके पास कुल 25 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, जिसमें उसके नाम पर 1,80,00,000 से ज्यादा और पत्नी शाइस्ता के नाम पर 81,00,000 से ज्यादा की संपत्ति है। शाइस्ता को ज्वेलरी का भी काफी ज्यादा शौक है। उसके पास करीब 2.25 किलो सोने के गहने और 3,810 ग्राम चांदी के गहने हैं, जिसकी कुल कीमत 54,00,000 से ज्यादा थी। इसके अलावा 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह शामिल है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने अतीक की कई प्रॉपर्टी को अवैध बताकर हाल ही के दिनों में उन पर बुलडोजर भी चलाया है। बात सिर्फ प्रॉपर्टी और सोने तक ही सीमित नहीं है। अतीक एक से एक महंगी गाड़ियों में सवारी करता है, हथियारों का शौकीन है। वैसे तो अतीक केवल 10वीं पास है, लेकिन उसने अपना एक पूरा साम्राज्य बसा रखा है। अतीक और उसकी पत्नी के नाम पर 7 हथियार हैं, जिसमें रिवॉल्वर, राइफल और SSBL पिस्टल भी शामिल थे। हालांकि बाद में सरकार ने अतीक के आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की थी। 2019 में अतीक के ऊपर कुल 59 मुकदमे चल रहे थे। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक अतीक पर केसेस की संख्या बढ़कर 70 के आसपास हो गई है, जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।